अपने को चेक करो, दूसरे को नहीं चेक करो। एक बारी बाबा ने हंसी में कहा, मैं कहता हूं अपने को चेक करो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो, लेकिन बनते हैं परदर्शन चक्रधारी, दूसरे की गलतियां देखते रहते हैं। बाबा ने कहा, मैंने जज की कुर्सी किसको नहीं दी है, और आप ही कुर्सी लेके जज की बैठ करके देखते, ये ऐसा क्यों करता, ये ऐसे क्यों करता, ये ऐसे क्यों होता, ये होना नहीं चाहिए। किसने आपको जज की कुर्सी दी? पहले सेल्फ जज तो करो। जज की कुर्सी बाबा कहते हैं किसने, मैंने किसी को नहीं दी। आप ही कुर्सी पर बैठ जाते हो बना के, और हैरान भी होते हो। अगर परदर्शन होता है तो व्यर्थ चिंतन कितना चलता है, अपने शरीर पर भी असर आता है। जिसका परचिंतन चलता है उसके शरीर में भी ताकत कम हो जाती, दिमाग कमजोर हो जाता है ना। इसीलिए सेल्फ का जज बनना, दूसरे का जज नहीं बनना, परदर्शन नहीं। बाबा ने एक बारी कहा था, तीन पर कट करना है और एक पर बले रखो। वो तीन पर कौन सी है? परचिंतन, परदर्शन और परमत। ये तीन पर कट करो और एक पर रखो पर उपकार। तो तीन को कट करके एक पर उपकार रखेंगे तो पाश्विता नर हो जाएंगे। अगर तीन पर में से कोई भी एक पर है तो फिर पाश्विता नर नहीं हो, क्योंकि बाबा की श्रीमत मानी नहीं ना। तो श्री मत को जो नहीं मानेगा वो कैसे पाश्विता नर होगा? इसीलिए स्वचिंतन, स्वदर्शन, श्री मत, ये स्मृति में अगर रहेगा तो हमारी स्टेज जो रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है? ओम शांति। Thank you.